So stick around. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने पिछली बार इसके अंदर अपनी बाइक के अंदर लगाया था स्टीयरिंग कवर लगाया था, उसी के साथ में हमने लगाया था पीछे एक जेपी एक ही टेल लाइट जो घूमी घूमी वाली है ना, आजकल जो चल रही है ट्रेंड में थर्ड जनरेशन वाली, वो हमने इसके अंदर लगाई है। और उसी के साथ में हमने उसके अंदर फोल्डिंग टेल टेडी लगाई थी। अब जब ये सब चीज़ें लग गई ना, तो उसके बाद में गाइस पीछे का जो टायर अगर है वो काफ़ी सही दिख नहीं रहा, मतलब पुराना सा तो लग रहा है, और जो बाइक के साथ में थोड़ा मैच नहीं कर रहा। जब हमने उसके अंदर पूरी कंप्लीट वाली टेल टैडी निकालने के बाद में हमने उसके अंदर शॉर्ट टेल टैडी लगाई है, तो लुक उसके साथ में मैच नहीं खा रहा। तो लुक मैच नहीं खा रहा तो हम उसके अंदर लगाने वाले एक टायर अगर, और टायर अगर के साथ में जब आप लोगों को पता है बारिश है, बारिशों के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है अपनी बाइक की साफ सफाई मेंटेनेंस करने के लिए। जब आप अपनी गाड़ी को जब चलाते हो उसके अंदर एक पीछे का एक स्प्रिंग लगा हुआ है जो टायर अगर के ऊपर छोटा सा लगा हुआ है, तो अभी आप लोगों को दिखा दूंगा। उसकी जगह हम लगाने वाले गाइस मडगार्ड, और उससे क्या होगा, आपकी जो मडगार्ड की जो लेंथ है वो थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। जब आपका टायर रोटेट होगा तो होने के बाद में मिट्टी आपके जो फेंडर है ऊपर वाले उसके ऊपर नहीं लगेगी, जिससे आप लोगों को अपनी बाइक साफ सफाई करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली। और उसी के साथ में हम लगाने वाले गाइस टायर स्टिकर। तो आज की वीडियो में तीन चीज़ें लगाने वाले, शार्प इन मडगार्ड लगाएंगे, टायर अगर लगाएंगे, और टायर स्टिकर बोलो या हम लगाने वाले रिम के ऊपर रिम स्टिकर हम इसके अंदर लगाने वाले। तो आप लोगों को दिखाता हूँ ये तीनों चीज़ें, और लगने के बाद में लुक देखना आप लोगों को किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। अगर कोई भाई ये सब चीज़ें लगवाना चाहता है तो हमारे स्टोर पे आ सकता है, जो कि दिल्ली गोकलपुरी के अंदर हमारा स्टोर है। तो फिलहाल तो आप लोगों को तीनों चीज़ें दिखाता हूँ, और गाइस कॉमेंट करके बताना आप लोगों को ये तीनों चीज़ें किस तरीके से लग रही है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, पहले हमने टेल टैडी वाला फोल्डिंग वाला लगाया था, अब इसको रखते हैं साइड में। और इसी के साथ में ये हमारा शार्प इन मडगार्ड, और इसके अंदर आप लोगों को कलर ऑप्शन में मिल जाते हैं, ब्लू मिल जाता है, रेड मिल जाता है, और इसी के साथ में ब्लैक आप लोगों को मिल जाएगा। और इसकी क्वालिटी देखो, पेंट की क्वालिटी काफ़ी सही क्वालिटी दी गई है। और इसी के साथ में ये आ गया हमारा रिम स्टिकर्स, ये हमारा रियर का है, और इसी के अंदर गाइस आप लोगों को सेट ऑफ टू मिल जाएगा, आगे पीछे का मिल जाएगा। उसी के साथ में गाइस ये हमारा टायर अगर है, इसके अंदर भी आप लोगों को गोल्डन ब्लू और ब्लैक कलर मिल जाएगा, जिसमें कि आप लोगों को कार्बन फाइबर 7D इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। और ये प्लास्टिक का है, और प्लास्टिक की क्वालिटी का इस काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। और ये देखो बाकी इसकी फिटिंग, ये रही बाइक काफ़ी सही फिटिंग है। अब ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी, अब इन चीज़ों को करते अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद में आप लोग लुक देखना किस तरीके से लुक आएगा, तो इसमें से सोचता हूँ कि कौन सा सही लगेगा उसी को लगाऊंगा। बाद में आप लोग कॉमेंट करके बताना कि भाई आप लोग, आपको ये वाला लगाना चाहिए था, ये लगाना चाहिए था, बाकी चॉइस आप लोगों के ऊपर भी है। आप लोग कॉमेंट कर दिया करो कुछ भी चीज़ अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो जिससे क्या होगा मुझे भी पता चलेगा कि हाँ मेरे जो व्यूवर्स हैं ये देखना चाहते हैं, और इस तरीके की चीज़ अपनी बाइक के अंदर लगवा के ये अच्छी लगने वाली है। गाइस ये अपनी दुकान है टेक्नो खान स्टोर गोकुलपुरी दिल्ली के अंदर, सामने से आओगे तो आप लोगों को दिख जाएगा। और ये अपनी बाइक है, और आप लोगों को बताता हूँ गाइस ये हमारा जो टायर अगर है ये कुछ इस तरीके से है देखने के लिए मिलता है। अभी तो क्या है, अपनी बाइक को मैं वॉश करा के लाया तो तभी इतनी नहाई धोई सी लग रही है, अगर नहीं होता तो भाई आप लोगों को पता है बारिशों के अंदर बाइकों का क्या हाल होता है क्या नहीं होता है। और इसी के साथ में हम ये टायर अगर हटा देंगे, और हम लगाने वाले अपने मॉडिफाइड वाला टायर अगर। और ये देखो हमारी टेल टायरी थी ये कुछ इस तरीके से थी मैग्नेटिक वाली, और जो हम शार्प फिन मडगार्ड लगाने वाले गाइस वो हमारे शार्प फिन मडगार्ड यहाँ पर लगेगा। और ये देख पा रहे हो गाइस ये हमारा छोटा वाला है, अब जब आपका टायर रोटेट होगा ना, रोटेट होने के बाद में आपका पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है। देखो भाई यहाँ पर मिट्टी मिट्टी भी हो रही है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अपनी बाइक की केयर किस तरीके से करनी है। और देखो यामा की चीज़ देखो भाई, क्वालिटी मतलब यार थोड़ी ठीक नहीं तक लगती मेरे को, देखो सारी चीज़ें जंग खाने लग गई। भाई कुछ तो करो यामा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, अपनी क्वालिटी में थोड़ा भाई चेंजेस लेकर आओ, ताकि आपकी जो बाइक है और बिके, तो क्वालिटी लेकर आओ। अब ये टायर अगर निकालने के लिए ये गाइस हम शार्प इन मडगार्ड इसको हम लगाएंगे, तो इसके लिए ये वाला बोल्ट और पीछे के दो बोल्ट हैं वो खुलेंगे, खुलने के बाद में डायरेक्ट फिट हो जाएगा। इसके अंदर हमें कोई तरीके की मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि तार वार कुछ एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्लग एंड प्ले आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैंने साइड वाला लगा दिया, और इसी तरीके से ये इस पर लगेगा, और उसके ऊपर से गाइस दो स्क्रू जो लग जाएंगे हमारे ये वाले, तो ये दोनों लगने के बाद में आप लोगों को पता है कुछ इस तरीके से लुक देखने के लिए मिलेगा। और ये हमारा प्लास्टिक है, ABS प्लास्टिक।
जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसके अंदर हमने पूरी फिटिंग कर दी है और लगने के बाद में देखो कितना सही लग रहा है ये। और इसी के साथ मैं आप लोगों को ब्लैक दिखाता हूँ। ये ब्लैक वाला है, जैसे कि आपके पास में R15 M मॉन्स्टर एडिशन है या दूसरे कलर है उसके साथ में भी आप ये लगा सकते हैं। फिलहाल तो हम लगाने वाले हैं इस ब्लू वाले को, क्योंकि मेरी जो गाड़ी का कलर है वो ब्लू है और सिल्वर, उसी के साथ में काफी अच्छा लगने वाला है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हमारा टायर अगर ये भी हमारा फिट हो चुका है और इसमें देख लो किस तरीके से करा, ये जो आप छोटे छोटे नट देख रहे हो इसके अंदर हमने लगा दिए, लॉक वाला है। जब इसको टाइट कर दोगे आप ये वहीं पे लॉक हो जाएगा और भाई कितना सही लग रहा है। वैसे मुझे पता नहीं था कि लगने के बाद में इसको जो फिट करने के बाद में इतनी अच्छी लुक आएगी, मतलब काफ़ी लाइट वेट है, जबकि आप लोगों को जो ओरिजिनल वाला टायर अगर है उससे तो काफ़ी लाइट वेट देखने के लिए मिलेगा। तो अभी फिलहाल तो बारिश भी आ रही है हल्की हल्की, बस हो ना तो ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे हमारी वीडियो बनने के बाद में जितना मर्जी बारिश हो जाए। भाई इस पीछे वाले टायर को खोलने के लिए नीचे के सिंपली दो स्क्रू आप लोगों ने अनस्क्रू करना है, जिससे क्या होगा हमारा पहले वाला टायर अगर है ये बाहर आ जाएगा। अब ये देखो साइड का खुल गया। सो ये देखो भाई, ये मतलब पहले वाले से अगर कंपेयर करा जाए इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। और भाई ये देखो भाई, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसके अंदर से हमने सारे स्क्रू वो निकाल दिए। अब ये पूरा हमारा छोटा वाला टायर अगर ये मडगार्ड है जो भी आप इसको बोल लो, तो इतना सा ही देखो फूक सा ही है, मतलब कुछ क्या है क्या करते हो इसके बारे में। अब हम इसमें लगाएंगे बढ़िया वाला। भाई देख रहे हो कितना ज़्यादा फर्क है भाई इसमें और इसमें। अब इसके पैसे भी ज़्यादा हैं, जब इसमें साइज़ बढ़ा है तो पैसे भी ज़्यादा होंगे। अब इसको लगाते हैं। तो अब ये टायर अगर है गाइस, अब देख लो फिट होने के बाद में कितना प्यारा लग रहा है। ये यहाँ से एडजस्ट हो जाता है, यहाँ से एडजस्ट होता है, यहाँ से फिटमेंट रहती है। और ये देखो एलन की के नट इसके अंदर दिए गए हैं, जहाँ पर आपको रोकना हो वहीं पर टाइट कर दो, बीच वाला इसका मेन वाला है। और ये देखो कुछ इस तरीके से अब लगाते अपनी R15 M के अंदर। कार्बन फाइबर देखो कितनी प्यारी लग रही है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है तो इस वजह से अब लगाते हैं इसके अंदर बाइक में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अपना टायर अगर है वो इसके अंदर हमने इंस्टॉल कर दिया। और देख लो भाई कितनी प्यारी जो इसके अंदर जो लुक है वो आ रही है। अब ऐसा नहीं है, देखो कितना कितना गैप है, अच्छा खासा गैप है। अपने इसके ऊपर मड वगैरह भी लगेगी तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। और यहाँ से लुक देख लो ब्लू 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 और ब्लू। और इसी बात पर आप वीडियो को भी कर देना, जो ग्रे बटन है उसको भी आप ब्लू कर देना लाइक करके वीडियो को। और देख लो, और अपनी बाइक तो वैसे भी कुछ ज़्यादा ही सही हो रही है। हमारे इंटीग्रेटेड वाले टेल लाइट लगा रखे हैं, DRL वाले इंडिकेटर लगा रखे हैं। और ये हमारा टायर अगर है कुछ बाइक के साथ में आप लोगों को लुक, जो बाइक का लुक है ब्लू के साथ में आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। कॉमेंट करके बताना गाइस आप लोगों को ये सब चीज़ें किस तरीके से लगी अपनी बाइक के अंदर। गाइस ये रिम स्टिकर है, ये मतलब थे ऐसे, मतलब पूरे अलॉय पे लगाने के लिए, तो मैंने क्या करा दो दो आगे पीछे लगा दिया। और लुक चेकआउट कर लो। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हमने इसके अंदर टायर स्टिकर लगा दिया, हमारा टायर हगर लग गया। उसी के बाद में हमारा जो शार्प इन मडगार्ड है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। अब बारी आती है इन सबको टेस्ट करने की, क्या ये लगने के बाद में काम का है या सिर्फ ऐसी लुक के लिए। अभी क्या करेंगे गाइस, हम थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डालेंगे, देखेंगे हमारी जो टेल लाइट है इसके ऊपर पानी जा रहा है या हमारे वगैरह के ऊपर पानी जा रहा है या नहीं जा रहा है। बाकी हम टाइम स्टिकर का जो लुक है वो चेकआउट कर लेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हमारा यहाँ पूरी सूखी है। और ये देख लो भाई, और तेज चलाना भाई। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो जो हमने इसका टायर अगर लगाया तो जिस काम के लिए, उस काम के लिए माहिर है, मतलब ये शो के साथ में आपकी सेफ्टी भी बाइक को करेगा। और ये देखो पीछे वाला बंदा अब सेफ रहेगा, जैसे कि हो जाती है पीछे से शेड गंदी हो जाती है तो उसका कोई सीन नहीं है। अभी देखो हमारा टायर अगर बिल्कुल बढ़िया।
तो सारी चीजें लगने के बाद में जब तक उनको टेस्ट नहीं करा जाए, जब तक मजा नहीं आता, और आप लोगों ने देखा मैं उसको टेस्ट भी करा टायर अगर को, दोनों के दोनों को आप लोगों ने देखा बिल्कुल भी किसी तरीके की ऊपर मट्टी नहीं आई, ना कोई पानी की छीट वगैरह आई, मतलब ये हमारी बाइक के लिए कारगर रहा। अगर आप उसको बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कोई स्टोर पे आके डायरेक्ट लगवाना चाहता है तो हमारा स्टोर दिल्ली गोकलपुरी के एरिया के अंदर है। अगर कोई भाई आके इंटरेस्टेड हो लगवाने के लिए आ सकता है हमारे स्टोर पे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना। इसी तरीके की वीडियो हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं। मिलते हैं जल्द आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।